हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबको मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज जिस तरीके से हमारे सारे डिप्रेशन के मैटर में बातें होती है, आपके मानसिक स्थिति के बारे में बातें होती है। होप कि आप उन सब बातों को अडॉप्ट करते हो और आप सेहतमंद रहते हो और कोशिश करते हो कि आप मेरी बातों को फॉलो करो। तो आज बात करते हैं कि कई बार जो हमारे अंदर जो मानसिक रोग जो जन्म ले लेती है या मानसिक रोग के जो हम शिकार हो जाते हो, तो कई बार हम उसके खुद के ही रीज़न बनते हैं, खुद के ही कारण बनते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि आप देखोगे बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है। बहुत ऐसा मैंने देखा है कि बहुत मतलब अधिकतर लोगों में ये चीज़ है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो गिवअप कर देते हैं, खुद की क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, ये काम मेरे लिए है ही नहीं। जो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इस काम को कोई और कर सकता है, उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ या मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को तो बोलना नहीं आता है, मुझे तो ये करना नहीं आता, वो नहीं, फलाना फलाना, बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि वो बोलने लग जाते हैं और खुद की क्रिटिसाइज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि आप बार बार आप अपने आप को नीचा दिखाते हो, अपने आप को बुरा भला कहते हो, अपनी क्रिटिसाइज़ करते हो, अपने आप को कभी भी आप उस पावर में लाते ही नहीं हो। जब आप इस तरीके से बातें अपने आप को कहते हो तो वो आपके दिमाग तक पहुँचता है और दिमाग तक तो वही बातें पहुँचेगी जो आप बोलोगे, तो वो सराउंडिंग घूमता रहता है और फिर आप एक टाइम में क्या महसूस करते हो, खुद को एकदम लूज, कहीं से भी नहीं, लूज़र महसूस करते हो। आपको लगता है कि आप अब उस काम को या किसी भी काम को करने के काबिल ही नहीं हो, आप उस लायक ही नहीं हो। तो आप खुद सोचो कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, मैं कहती हूँ कि जितना भी हो सकता है आप अपने आप को अपने अंदर में इतना ज़्यादा हर मॉर्निंग हर इवनिंग आप अपने आप को बोलो कि आप वो सब कुछ कर सकते हो, आप हर चीज़ के लिए कैपेबल हो, आप वो काम कर सकते हो जो काम बहुत डिफ़िकल्ट है, जो काम और नहीं कर सकते वो काम आप करने की कोशिश करोगे, और अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जब ऐसे अगर हम अपने आप को अपने माइंड को ऐसी बातें ट्रांसफ़र करते हैं तो वही हमारे सराउंडिंग घूमता है और वही चीज़ें होती है कि जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, जो आप सोचते हो, वही आपके सामने मतलब खुल के निखर के वो आता है, वो होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप अपनी ही क्रिटिसाइज़ करोगे, जब आप अपने बारे में ही बोलोगे कि आप वो काम नहीं कर सकते हो, सबसे पहले तो ना खुद की निंदा करना बंद कर दो। क्योंकि ये है कि अधिकतर लोगों में ये देखा गया है कि वो खुद के लिए कह देते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, हैंड ओवर, मतलब वो खुद हाथ खड़े कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप कोशिश कर सकते हो, ज़रूरी है, ठीक है, हो सकता है कि आप नहीं करो, लेकिन आप ये बोलोगे कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, आप ये बोलोगे कि ये मेरे लिए है, काम बना है, ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात, लेकिन कोशिश तो एक ज़रूर करने वाले हैं। तो इस तरीके की बात आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करोगे या आप अपना मोरल डाउन कर लेते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई पावर ही नहीं है, आप पावरलेस कर लेते हो अपने आप को ये कह के कि ये काम नहीं हो सकता है। बहुत बुरी बात है फ्रेंड्स कि खुद की निंदा करना। जब आप खुद की निंदा करते हो तो आप खुद सोचो, जब सारे टाइम आप ये कहते रहोगे कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम आपके बस की बात नहीं है, बुरा भला ये वो जो बोलते रहोगे आप, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस बातों पे ही अटक के रह जाएगा। और जब ये बात आपके दिमाग में कहीं किसी कोने में रह जाएगा तो वो फिर किस चीज़ को जन्म देगा? फिर ये ओवर थिंकिंग में, क्योंकि आप फिर थिंक करते रहोगे, वो भी ओवर थिंकिंग में नेगेटिविटी, आपके थॉट जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके अंदर क्रिएट होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से बातें को आप अगर पॉजिटिव, अगर अपने अंदर में जो कुछ पॉजिटिव बातें हैं वो ट्रांसफ़र करोगे तो उससे आपके अंदर रहेगा कि आप पॉजिटिव बात करोगे या पॉजिटिव आप एनर्जी क्रिएट करोगे या पॉजिटिव आप वो कार्य करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने ऐसे काउंसलिंग में, कितनी ऐसी बातें में मैंने हमेशा समझाया है, मैंने हमेशा कहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहा करें। किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो हर चीज़ में ना टाइम लगता है, आपको करना है, आपको सबसे पहले यस बोलना है चीज़ें कि आप कर सकते हो,
आपके लिए पॉसिबल है, आप हर संभव उस चीज़ की कोशिश करोगे इतना, लेकिन आप उल्टा करते हो। यहाँ पे क्या होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसी बातें होती। जैसे कि मेरे कई ऐसे पेशेंट होते हैं, जब वो सामने में होते हैं और मैं कहती हूँ आपको हर दिन आपको डायरी मेंटेन करनी है, क्योंकि थेरेपी में आती है कि आपको डायरी मेंटेन करनी है, तो उसमें वो कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं, क्योंकि मैं ये कहती हूँ फिर आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे कि आपने क्या, जो मैं उन्हें काउंसलिंग में जो CBT में होता है जो मैं बताती हूँ उनको, कि वो फिर उनको मुझे बताना होता है, पर वो उस चीज़ के लिए बोलते हैं हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे लिखने का मन नहीं करता, अब तो आदत छूट गई है, कहाँ मैम बहुत टाइम हो गया आप तो लिखे हुए, अब नहीं लिखा जाता है। ये सबसे बुरी बात है, जब यहाँ पे आपने तो पहले ही अपने आप को कह दिया कि ना आप कर ही नहीं सकते हो, तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है। तो सबसे पहली बात है कि आप वो काम करो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ आदत छूट गई है, पर कोशिश करेंगे कि धीरे 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 हम लिखना शुरू करें, आपने बताया मेरे फ़ायदे के लिए है तो ये मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। ये चीज़ें होती है मॉर्निंग के टाइम, जब आपको कहा जाता है कि आप प्राणायाम करें, आप एक्सरसाइज करें या अदर थिंग्स जो भी है आप वो करें, आपके अंदर से सिर्फ यही आवाज़ आती है, यही बातें आती है कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं होता, बहुत काम होते हैं, बहुत थके होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, आपको क्या ही पता कि आप मेरे जगह पे नहीं हो ना, ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें आते हैं ना सामने। तो अगर ये चीज़ है बात, तो आप क्यों नहीं समझते हो कि ये बात आपके लिए, आपने तो आपको जो आपके लिए अच्छी बात जो आपको ठीक होने के लिए बताया गया, लेकिन आपने तो पहले ही ना कह दिया, आपने अपने आप को कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ नहीं पे आ जाता, तो वो सराउंडिंग क्या होता है, वो नेगेटिविटी वो क्रिएट हो जाती है कि अब वो नहीं हो सकता। और जहाँ आपने बोला, एक होता है कि आपने बोला कोशिश कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं क्लियर कह रही हूँ कि आपने जो काम छोड़ दिया, हो सकता है बहुत टाइम से आपने नहीं किया है, अब आप कुछ शुरू करने वाले हो, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि कोशिश कर सकते हैं, तो ये करना शुरू करो फ्रेंड्स। और सबसे पहले अगेन फिर से रिपीट करूँगी कि खुद की निंदा करना बंद कर दो। कोई परफेक्ट नहीं होता अपने आप में, इस दुनिया में इस जगह पे परफेक्ट कोई नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, मैं भी हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ, आज आपके लिए मैं अच्छी बातें करती हूँ, आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे ऐसे जो साइकोटिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, OCD है, किसी से भी आप लोग मतलब ग्रसित ना रहो, सर्वाइव ना करो कहीं पे, जिस तरीके से मैं अपना 100% देती हूँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी चुप हो जाता हूँ कहीं ना कहीं, या मेरे अंदर भी कहीं ना कोई ऐसी बातें होगी जो मतलब मुझे परफेक्ट नहीं कराती होगी। तो कोई भी इंसान ऐसा है जो परफेक्ट है? नहीं, नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो अपने आप को लूज़र समझे, ये नहीं होता है। आप हमेशा ये भी ना कहो कि मतलब मुझ में सब कुछ आता है, कभी देखोगे कि बहुत अपने आप को दिखाने वाले लोग ना दुनिया के सबसे महान हस्ती या भगवान बन जाते हैं और उनको सब कुछ पता होता है, कहने का मतलब कि वो परफेक्ट होते हैं, पर कहने का मतलब ये कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां लेके ही रहते हैं लोग सॉरी। तो इस तरीके से अगर आप लेके चलते हो बातों को कि आप खुद की निंदा नहीं करते हो, खुद को आप अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, खुद के अंदर जो एक अंदर जो आपकी एक बेवकूफ़ वाले जो एक डायलॉग चलती है ना, ये मैं डायलॉग एक निगेटिव डायलॉग्स है, जो इंटरनल एक जो निगेटिव डायलॉग्स चलते हैं आपके कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता है, तो ये चीज़ों को ना बंद कर दो आप लोग। जिस दिन इस चीज़ को बंद कर दोगे, जिस दिन आप अपने लिए एक ये बातें क्रिएट करोगे कि आप कर सकते हो, कोशिश करोगे और हो सकता है आपसे, तो ये होगा और ज़रूर होगा। तो कई बार इस चीज़ों को लेके चलोगे ना, तो माइंड भी फ्री रहता है और बहुत सारे ऐसे विचार को जो निगेटिव विचार होते हैं उनसे दूर भी रखता है। तो आप अपने आप को लूज़र मत समझो फर्स्ट। अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हो, आपको लगता है कि ये आपको पता है कि कठिन है, पर आप अपने माइंड को उस टाइम में अलाउ कर दो कि ये काम हो सकता है, आप देखोगे कि वो काम होगा। क्योंकि क्या है कि मान लो अगर हम जैसे कि हेल्पर रखते हैं हमारे घर में, जो हमारे घर की देख रेख करते हैं, तो जो लोग हैं
वो उनको अगर हम कभी अपने साथ लेके जाते हैं कहीं बाहर जाना हुआ या कुछ किसी और के यहाँ पे जाना हुआ, तो उसको जो आप ऑपरेट करते हो एक वो अलग बात हो गई। दूसरी, जो अगर मान लो आप किसी अदर पर्सन के यहाँ पे गए हो और जो आपके हेल्पर हैं तो उनको कह दिया गया भाई एक गिलास पानी लेके आए कि ये काम कर देना, तो वो क्या करेंगे? वो एक बार मुड़ के आपको देखेंगे कि क्या मैं इनका काम करूं, क्या मैं इनका हुक्म मानूं, क्योंकि वो तो आपके यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे सर्वेंट होते हैं और जो आपके घर की देख रेख करते हैं, तो ये आपकी बातें मानते हैं न कि ये दूसरे की, तो वो क्या करेंगे? एक बार आपसे पूछेंगे इशारों में या कैसे भी, आप कहोगे नहीं रहने दो, बैठ जाएंगे, वो नहीं करेंगे कि नहीं मैं आपका सर्वेंट नहीं, वो नहीं करें। इसी तरीके से हमारा माइंड है, तो जो माइंड को आप अलाउ करोगे ना, जो माइंड को आप बोलोगे, क्योंकि आप बॉस हो माइंड के, माइंड आपका बॉस नहीं है, तो आप बॉस बनो। आप जिस तरीके से हुक्म दोगे, जिस तरीके से आप बताओगे माइंड को करने के लिए, आपका माइंड वही काम करेगा। तो बॉस बनो आपके माइंड का, आपका माइंड आपके ऊपर हावी ना हो, आप चलाओ अपने माइंड को। तो जब आप अपने माइंड को चलाओगे और माइंड को आप पॉजिटिव आप एनर्जी ट्रांसफ़र करोगे और आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग और आप अपने लिए एक अच्छी बात, क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप अपने आप को समझोगे, आप अपने आप को आप मतलब आप कितने पावर में हो ये समझो, वही ट्रांसफ़र आपके माइंड में होगा, फिर वही माइंड आपका काम करेगा जो आपने बोला है। तो इस तरीके का काम करना शुरू करो। मैं कितने वीडियोस में मैं बता दूँ कि मॉर्निंग में आप उठे, मॉर्निंग में आप शीशे में देखें, शीशे में आप आंखों में आग डाल के, मतलब आप खुद को देख रहे हो और खुद को आप देख रहे हो और खुद को बोल रहे हो आप कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ या मैं सबसे अच्छी इंसान हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम अगर मेरे से नहीं पॉसिबल होगा फिर भी मैं लास्ट तक मैं इस काम को करने की कोशिश करूंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब हम इस तरीके से अपने से खुद से आप चैलेंज लें, खुद को चैलेंज दें, आप गिव अप ना करो। कोई आपको कहता ना कि मान लो कोई दूसरा कह दिया कि अरे यार ये तो काम कर ही नहीं सकता, ये तो इस लायक नहीं है, तो वो समझ में भी आता है कि वो बोल रहा है, लेकिन जब आप खुद की क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो जब आप अपनी खुद की निंदा कर रहे हो, तो जब आप खुद की बुराई कर रहे होते हो, तो उस टाइम में आपको कौन बताएगा, कौन कहने आएगा? तो ज़रूरत है कि आप अपना नज़रिया अपने लिए बदलो। जब नज़रिया ही नहीं बदलोगे, क्योंकि इस नज़रिए का कोई तो ये कोई एक्सरे में नहीं आएगा और कोई टेस्ट में नहीं आएगा, इसके लिए तो कोई चश्मा ही नहीं बना, आपके लिए कोई चश्मा बनाए जो आप अपने अंदर जाके देखोगे कि आप अपने अपनी निंदा किस तरीके से कर रहे हो। तो इसके लिए कोई मतलब टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा रिपोर्ट में नहीं आएगा, उसके लिए आपको अपने खुद के नज़रिए चेंज करने होंगे। तो अपना नज़रिया बदलिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को सराहिए, अपने आप को ऊपर ऊपर की आप कर सकते हो इस तरीके से आप अपर में रखिए कि आप कर सकते हो। जब इस तरीके से आप रखते हो तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम से जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप ओवर थिंकिंग है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो ये सबसे आप दूर रहते हो। कितने कारगर होते हैं ये बातें, जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो और अपने लिए चार लाइन लिखते हो, शाम को अगर रात को आप सोते हो तब आप चार लाइन लिखते हो, आप ये सोचो कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो रिटेन में आता है, जो स्पीक में आता है, जो हम बोलते हैं, जो आप लिखते हो, तो वो आपके माइंड में सेट होता है। जो आप बोलते हो वो आपके माइंड में, आपके सराउंडिंग वो घूमता है, तो वो आपके माइंड में सेट होता है। तो इस तरीके की बातें अगर आप करते हो, कुछ ऐसे फार्मूलाज, कुछ ऐसे मंत्रा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाओ, और जब आप ऐसी बातें रखोगे तो क्यों होगा कोई डिप्रेशन, क्यों होगी उनकी एंजाइटी, क्यों आएगा मतलब पैनिक अटैक? कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर रहे हो, माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो जब इस तरीके की बातें आप रखोगे अपने लिए, क्योंकि अपने आप को बेस्ट बनाओ ना, अपने आप की क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, और जब जिस दिन आप ये बंद कर दोगे उस दिन सारे डिप्रेशन
और सारे साइकोटिक प्रॉब्लम आपसे दूर रहेगी और आपकी लाइफ में एक चमत्कार होगा, आपकी लाइफ अच्छी सी हो जाएगी। उम्मीद है कि बात को फॉलो करो और जब आप सुनते हो, हमें तो मालूम कि अगर हमें कोई कहेगा कुछ नेगेटिव बातें हमें कह दिया, तो उन बातों को मैं फिल्टर करके लूँगी, मुझे पता है कौन सी बात मुझे सुननी है और कौन सी बात नहीं सुननी। ऐसे बनना है आप लोगों को, जो काबिलियत है वो काबिलियत है, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आराम से बोलो, एक्सेप्ट करो। अपना नज़रिया अपने लिए हमें चेंज करना है और अपना नज़रिया को अपने लिए बेस्ट और बेस्ट बनाना है। खुद को पावर में रखें और खुद के जो अंदर जो एक इंटरनल जो एक नेगेटिव थॉट्स जो वो एक डायलॉग चलते हैं ना, हम ये नहीं कर सकते, हम तो ऐसे हैं, बंद करिए उसको। और जिस दिन आप इसको बंद कर देंगे, उस दिन कोई ऐसी मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान नहीं करेगी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पास में कोई लगता है कि ऐसे वीडियोस आपको चाहिए किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड और कोई अलग बातों से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो। जो सेहत से रिलेटेड बातें हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप OCD, एंजाइटी, डिप्रेशन और आप किसी भी मानसिक रोग के शिकार हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप मेरे क्लिनिक आ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सेहतमंद होते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ में और बहुत सारे प्यार के साथ, एक दूसरे को का साथ देते हुए, एक दूसरे के साथ निभाते हुए, आराम से हंसते हुए और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए, डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए। मिलते हैं वीडियो देखते हुए अगली वीडियो में। हरे महादेव।